बाबा दरबार में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार को रातों रात कैसे मिली सिद्धियां, धैन के शास्त्री ने बताया अपना एक बहुत बड़ा राज, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, अचार धैन के शास्त्री जी को अब लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं। बागेश्वर महाराज का जन्म MP के छतरपुर जिले के गड़ा गाँव में हुआ था। धैन के शास्त्री के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो रहस्यमय है। क्या आप जानते हैं कि लोगों के मन की वो बात पढ़ लेते हैं और पर्चे में लिख देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार को सिद्धियां कैसे मिली, एक निजी चैनल के इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी सिद्धि मिलने की पूरी कहानी बताई। आपका अध्यात्म की तरफ झुकाव कब से शुरू हुआ? बचपन काल से। हमारे दादा गुरुजी, ये जो मंदिर है भगवान महादेव का, इसके बगल में झोपड़ी बना कर रहते, एकदम सामने। बागेश्वर धाम सरकार बचपन से ही बालाजी के भक्त थे। उन्होंने बताया कि दादा गुरु के कारण मुझे ये सिद्धियां मिली हैं। मित्रों, बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार उनका बचपन गरीबी में बीता। उनके पिताजी कर्मकांड करते थे। उनके घर में बहुत गरीबी थी। उन्होंने बताया कि मैं घर में सबसे बड़ा था। त्योहार में छोटे भाई बहनों को नए कपड़े और ठीक से भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर सकता था। बागेश्वर धाम सरकार ने बताया कि मेरे दादाजी शुरू से ही बालाजी के भक्त थे। वे बागेश्वर धाम आते थे और बालाजी की पूजा करते थे। लोग कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी इतने सिद्ध पुरुष हैं, तुम क्यों नहीं हो? मैं तो दादाजी से मिलने उनके पास लाल बत्ती से लोग आते थे। उनके पास सत्संग करने के लिए बड़े बड़े लोग आते थे। दादाजी की बातें सुनकर मेरा भी मन धर्म और अध्यात्म की तरफ मुड़ गया। मैं भी दादाजी के सत्संग सुनने लगा। उसके बाद मैं उन्हें अपना गुरु मानने लगा। उनकी बातों को मैं सुनता था। मैं तो बागेश्वर धाम सरकार ने बताया कि एक दिन मैं अपने दादाजी के पास जाकर बोला कि मुझे बताइए कि मेरी गरीबी कब दूर होगी। ये बात सुनकर दादाजी हंसने लगे। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम रात में आना, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। उस समय मेरी उम्र करीब 9 से 10 साल की थी। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि दादाजी की बातें सुनकर मैं वापस अपने घर चला गया और रात का इंतजार करने लगा। बागेश्वर धाम सरकार ने बताया कि जब मैं रात को दादाजी के पास पहुंचा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर हनुमान जी के सामने खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद वो हंसकर बोले, अब जाओ। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे मुझे अजीब सी चीज़ों का आभास होने लगा। कोई मेरे सामने आता तो मैं उसका नाम जान जाता, लेकिन कहने में मुझे संकोच लगता। जब वो अपना नाम बताता तो मैं खुद कहता, ये तो मुझे पता था। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार ने ये बात अपने दादाजी को बताई कि मैं लोगों के बिना कहे ही उसका नाम जान जाता हूँ, लेकिन बताने में संकोच होता है। उसके बाद दादाजी ने मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह दी। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, लंबी तपस्या की और हवन किए। उन्होंने बताया कि मेरा सबसे ज़्यादा लगाव मेरे दादाजी से था। ये सब होने के बाद भी मेरा मन घर में कम लगता था। मैं बालाजी की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उन्होंने कहा कि मैं कोई भी चमत्कार नहीं करता हूँ, वेदों और ग्रंथों में जो लिखा है उसके जरिए लोगों के मन की बात को मैं समझ लेता हूँ।